क्या आप 1 मिनट में आइसक्रीम बना सकते हैं? जी हाँ, आज मैं बनाऊंगी ऑरेंज आइस ललीज। हेलो व्यूअर्स, नमस्ते। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में क्या है, ये रसना का ऑरेंज स्क्वाश है। आज हम इसी से बनाएंगे चुस्की। आप ले लीजिए ऑरेंज स्क्वाश, मैं यहाँ पर इस बड़े बाउल में डाल रही हूँ। 1 कटोरी चीनी डालेंगे और 1 ग्लास के बराबर पानी डालेंगे। चीनी को पूरी तरह से घोलने तक हमें इन्हें मिलाएंगे। अभी चीनी, पानी और स्क्वाश के मिश्रण तैयार है, अच्छे से मिक्स हो गई है। अभी हम इन्हें आइसक्रीम मोल्ड में भरेंगे। मेरे पास इस तरह की मोल्ड है, अगर आपके पास नहीं है तो मैं आगे दिखाती हूँ। अभी हम मोल्ड में भरेंगे इसे। अगर आपको थोड़ा सा खट्टा पसंद है तो आप 1 चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं इसमें। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो इस तरह के कांच के ग्लास होगा आपके पास, या फिर प्लास्टिक के ग्लास होगा, आप इसमें भर सकते हैं, या फिर जो पीने की ग्लास है स्टील की, इसमें भी आप भर सकते हैं। अभी मैं ये 2 प्लास्टिक ग्लास में भी भर रही हूँ। इस तरह की आइसक्रीम स्टिक्स है जो मार्केट में आसानी से मिल जाती है। अब हम सभी में आइसक्रीम स्टिक्स डाल देंगे और इन्हें फ्रीजर में डालेंगे 2 से 3 घंटे। अभी 3 घंटे के बाद हम फ्रीजर से निकालेंगे, ये देखिए, और इन आइसक्रीम स्टिक्स को इस तरह से सीधा कर लेंगे। अभी हम फाइनली इसे रखेंगे फ्रीजर में 8 से 10 घंटे के लिए। ये देखिए, 8 घंटे के बाद हमारा आइसक्रीम बनकर तैयार है। एक बाउल में हम कुछ पानी लेंगे, इसमें इस मोल्ड को डालेंगे कुछ सेकंड्स के लिए, ताकि हमारा आइसक्रीम आसानी से निकल जाए। ये देखिए, एक एक करके हम आइसक्रीम को निकाल लेंगे। अभी मैं 3 आइसक्रीम निकाल रही हूँ, बाकी मैं बाद में निकाल लूँगी। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि स्क्वाश में भी इतनी बढ़िया चुस्की बना सकते हैं। सच में बहुत ही टेस्टी है। इस आइडिया के लिए एक लाइक तो बनता है ना। तो देखा ना आपने कैसे 1 मिनट में हमारा चुस्की तैयार हो गया। बस घोल लिया और आइसक्रीम तैयार है। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा। मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर